ऐसी कौन सी चीज है जो सिर्फ मर्द की होती है, औरत की नहीं होती? अगर मुझे कोई फजूल जवाब आए ना, बेकी चूज ऑफ द डे, नो एग्जैक्टली, भाई लड़कियों से अभी होती है, क्या हो गया? नो 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 नो, मेरी गलती, मेरी गलती है, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ आपको, तो मेरी गलती है ना? तड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आज का इवेंट था, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? आज हमारा मरियम के टॉर का शूट था, एंड आई एंजॉयड द शूट, अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लगा आपको, उनके ड्रेसेस कैसे लगे? ड्रेसेस बहुत अच्छे थे और शूट भी अच्छा था। और मेकअप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेकअप भी बहुत अच्छा था, गुल्लू हमारे आर्टिस्ट थे एंड बहुत अच्छे इंसान हैं, इंजॉयबल भी हैं, तो अच्छा। वो तो मेकअप देख के ही लग रहा है कि उन्होंने मेकअप बहुत प्यारा किया है। अच्छा, इस चीज़ से हटके थोड़ा सा मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जैसे बींग एज अ मॉडल, आप हमारी पब्लिक को बताएंगी क्या मैसेज देना चाहती हैं कि ये फील्ड कैसी है, या गर्ल्स को आना चाहिए नहीं आना चाहिए एंड ऑल दैट? एक्चुअली मैं गर्ल्स को और हर इंसान को सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आप, डिपेंड नहीं करता कि फील्ड किस तरह की है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह लेके चलते हो। लाइक कोई भी फील्ड गंदी नहीं होती, ना उसमें कुछ गलत होता है, इंसान पे डिपेंड करता है वो उसको कैसे लेके चल रहा है। तो एज अ मॉडल मुझे भी कोई इस तरह प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई इस तरह मैंने फेस नहीं किया, बिकॉज इट्स अप टू यू। जो न्यू मॉडल्स हैं, लाइक आपको तो काफ़ी टाइम हो गया, जो न्यू मॉडल्स हैं आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी कि अगर वो इस फील्ड में आती हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल करना चाहिए? उन्हें बस सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द फर्स्ट थिंग, टू बी ऑनेस्ट, लाइक फॉर एवरीवन, एवरी गर्ल, इवन हर इंसान के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट फर्स्ट होती है और उसके बाद कुछ और होता है। तो आई जस्ट बी ओके, तो मैं यही कहूँगी कि उस पर फोकस होना चाहिए एंड सब ठीक होता है। सीरियस क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब हम करेंगे कुछ फनी। तो मैं आपसे करूँगी क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सिर्फ मर्द की होती है, औरत की नहीं होती? दाढ़ी? नो भाई, मतलब मर्द की होती है औरत की नहीं होती? नो, इसका आंसर ये। अच्छा, तो क्या आपकी दाढ़ी है? नहीं, मेरी तो नहीं है, लेकिन आंसर ये नहीं है, आपको एग्जैक्ट आंसर देना पड़ेगा। मर्द की होती है, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मर्द की होती है लेकिन औरत की नहीं हो सकती? बीवी? औरत की बीवी नहीं हो सकती? बीवी? अच्छा, आई डोंट नो। नहीं, आप सोचें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। हमारा क्वेश्चन ये था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमेशा सिर्फ मर्द की होती है, औरत की नहीं हो सकती? आपने कहा कि मुझे नहीं पता, मैं सॉन्ग सुना दूंगी, तो वो होती है गलती, जो सिर्फ मर्द की होती है, औरत की कभी नहीं हो सकती। बाकी चूज ऑफ द डे, नो एग्जैक्टली, गलती तो भाई लड़कियों से अभी होती है, क्या हो गया? नो 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 नो, ये लड़कियां, मेरी गलती है कि मैं आपको इंटरव्यू दे मेरी गलती है मैं इंटरव्यू दे रही हूँ आपको, तो मेरी गलती है ना? मैं कौन हूँ, मैं लड़की हूँ, तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ मर्द की हो, मेरी भी हो सकती है। चलिए, अब से हम कहा करेंगे कि ये लड़की भी एक्सेप्ट करती है इस चीज़ को। ओके, बस ये क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए था ना, तो आपने दे दिया, तो अब आपने आंसर तो दे दिया था, हम ही ने दिया था, तो अब आपको गाना सुनाना पड़ेगा। श्योर। मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया, तड़केगा तू मुझ में सदा, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। वाओ, नाइस क्लैप।